हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज अमंग द कंपाउंड शोन बिलो विच वन रिवील्ड अ लीनियर स्ट्रक्चर। लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल द की कंसेप्ट दैट वी हैव टू डिस्कस इन दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ कंपाउंड्स हैं, उनका स्ट्रक्चर बताना है। सो की कंसेप्ट हैज टू बी स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड्स। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे HOCl के स्ट्रक्चर के साथ। तो यहाँ पे HOCl में जो हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम है वो होना चाहिए था क्लोरीन, बट नहीं होता बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज माय दिस स्ट्रक्चर। अगर मैं बात करूँ ऑक्सीजन की, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के बाद दो लोन पेयर होते हैं, तो ऑक्सीजन के बाद दो लोन पेयर। वेयर एज क्लोरीन की भी बात करें तो क्लोरीन के पास तीन लोन पेयर होते हैं। अगर हम बात करें विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, तो ये हमारे पास वैसे भी लीनियर नहीं है, ये हमारे पास वैसे ही क्या है, बेंट स्ट्रक्चर है। सिमिलरली क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन के लिए तो हम स्ट्रक्चर डिफाइन ही नहीं कर सकते बिकॉज इसने सिर्फ और सिर्फ एक ही बॉन्ड बना रखी है। तो HOCl में हमारे पास दैट इज एन ऑक्सी एसिड ऑफ क्लोरीन, ये हमारे पास बेंड होता है। और अगर हम ऑक्सीजन को सेंट्रल एटम माने तो मेरे याद, अगर बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन के केस में हम इसकी शेप स्ट्रक्चर डिफाइन ही नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारे पास एक ही बॉन्ड बना रखी है। नेक्स्ट बात करते हैं O3, दैट इज ओजोन की। सो ओजोन का जो स्ट्रक्चर होता है हमारे पास, दैट इज ये हमारे पास ये ऑक्सीजन है एंड अनदर वन इज दिस, ये है हमारे पास ओजोन का स्ट्रक्चर और एक ये लोन पेयर है। सो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ है, ये हमारे पास बेसिकली ऑक्सीजन का ही लोन पेयर डोनेट हो रहा है इस ऑक्सीजन पर। तो यहाँ पे ये हमारे पास स्पेशल स्ट्रक्चर होता है ओजोन का। तो हमारे पास ओजोन का स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है, ऑब्वियसली इट इज ऑल्सो माई बेंड, तो इट्स नॉट लीनियर, हमें लीनियर बताना है। नेक्स्ट पहले बात कर लेते हैं NO2 की, देयर इट इज ऑल्सो समथिंग सिमिलर। तो NO2 में हमारे पास दो बॉन्ड इस तरीके से बना रखी होती है, एक जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड होती है अगेन, और यहाँ पे आ जाता है एक फ्री रेडिकल, आप कह सकते हैं एक अनपेड इलेक्ट्रॉन रह जाता है जिसकी वजह से ये शेप थोड़ी सी बेंट हो जाती है। यहाँ पे ये लोन पेयर नाइट्रोजन का होता है जो डोनेट कर रहा होता है नाइट्रोजन। एज वी नो नाइट्रोजन के पास पांच इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन इट्स वैलेंस शेल, तो एक दो तीन चार पांच ही आ गए। यहाँ पे ऑक्सीजन अपने दो से बॉन्ड बना रहा है। सिमिलरली अगर हम इसकी बात करें तो ऑक्सीजन के बाद भी छह वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो छह के छह बॉन्ड्स बना रहे हैं, जैसे कि एक लोन पेयर है हमारे पास चार बॉन्ड्स बना रहे हैं। तो यहाँ पे जो एक ड्यू टू एक अनपेड इलेक्ट्रॉन ये हमारे पास रह जाता है बेंट। अब बात करते हैं हमारे पास N2O की, तो N2O का स्ट्रक्चर इज समथिंग लाइक दिस, ये हमारे पास होती है N2O, और यहां पर नाइट्रोजन वाले इस नाइट्रोजन पर होता है प्लस चार्ज, इस पर आ गया माइनस चार्ज। यहाँ पे N2O के और भी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक आध ड्रॉ कर लेते हैं N2O का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगी, फिर ये बॉन्ड उधर शिफ्ट हो जाएगी, सो इट्स लाइक ये ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगी। यहाँ पे ऑक्सीजन, और इस बार ऑक्सीजन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर प्लस चार्ज ही रहेगा। वेयर एज N2O जो है हमारे पास ये न्यूट्रली मॉलिक्यूल, क्योंकि नेट चार्ज तो इस पे जीरो ही रहेगा। तो दिस इज माय N2O का स्ट्रक्चर एंड इट इज लीनियर बिकॉज नाइट्रोजन पे कोई भी लोन पेयर नहीं है। तो लोन पेयर नहीं है तो ये शेप बेंट नहीं होगी क्योंकि रिपल्जन नहीं होगी। लोन पेयर क्या करता है, इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो लोन पेयर और आपस में रिपल्जन हुई होगी जिसकी वजह से टेढ़े हो जाते हैं। सिमिलरली इस केस में यहाँ पे कोई लोन पेयर ही नहीं है तो रिपल्जन नहीं होगी बिटवीन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, तो ये हमारे पास हो जाता है एकदम लीनियर स्ट्रक्चर। तो कौन सा है लीनियर स्ट्रक्चर, N2O का। सो माई फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।